नमस्कार दोस्तों, पीएलसी आरडीएचएम एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट की जो सीबीटी 2 के एग्ज़ाम है उसके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेके आया हूँ मैं। तो जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इससे आपको फ़ायदा हो। तो आइए बात करते हैं अब अपने क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो उसकी अधिकतम सीमा होती है 90 डेसिबल, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल लगभग होता है? तो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य जो अंतराल होता है वह 0.6 mm होता है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कंडेंसर का प्रयोग होता है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कंडेंसर का प्रयोग रेडियो के व्यवधान को कम करने के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मेगावाट जनित्र का शीतलन साधारणतः खालिस्तान के द्वारा किया जाता है? तो 110 मेगावाट जनित्र का जो शीतलन होता है दोस्तों वह हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? तो इनमें से जो माइका प्रकार का संधारित्र है वह उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड 1200 RPM की गति से चल रहा है, तो प्रति मिनट विस्फोट की संख्या होगी? तो इसमें जो प्रति मिनट विस्फोट की संख्या होगी दोस्तों वह 600 होगी, तो सी ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करके बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड 1200 RPM की गति से चल रहा है, जो स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड है वो 1200 RPM की गति से चल रहे हैं, तो प्रति मिनट विस्फोट की संख्या कितनी होगी? तो प्रति मिनट विस्फोट की संख्या 600 होगी दोस्तों, तो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीजल इंजन में डीजल को इंजेक्ट किया जाता है, तो डीजल इंजन को कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पर इंजेक्ट किया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है, तो एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है, तो सील होता है दोस्तों तो वह दिया जाता है, तो वह ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्ट्रोक इंटरनल कंबर्शन यानी आंतरिक दहन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है, तो उसके अंदर दूसरा निचला जो स्ट्रोक होता है दोस्तों पावर तथा एग्जॉस्ट होता है, तो ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन को एक बार फिर फट के बताता हूँ मैं आपको, दो स्ट्रोक इंटरनल कंबर्शन यानी आंतरिक दहन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक होता है, तो दूसरा निचला स्ट्रोक पावर तथा एडजस्ट होता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मशीन जिस पर टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं कहलाती है? तो दोस्तों वह मशीन लैथ मशीन कहलाती है, जिसके ऊपर टर्निंग, बोरिंग और थ्रेडिंग आदि कार्य किए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक बना होता है? तो दोस्तों किसी डीजल इंजन का सिलेंडर ब्लॉक है वो कास्ट आयरन का बना होता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सिलेंडर में धारियां पड़ गई है तो उन्हें दूर किया जाता है? तो उन्हें दोस्तों लैपिंग से दूर किया जाता है, किसी सिलेंडर में धारियां पड़ जाने पर उसे लैपिंग के द्वारा दूर किया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिलेंडर लाइनर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों सिलेंडर लाइनर है वो सिलेंडर का सही माप लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो दोस्त पहली बार जुड़ रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम है असिस्टेंट लोको पायलट वाली, वो उसमें ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहे। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन तक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। एक बार फिर रिवीजन करके बताता हूँ क्वेश्चन का। एक ट्रांसफार्मर में एक कुंडलन से दूसरी कुंडलन में एक वैद्युतिक शक्ति का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों इसमें वैद्युतिक जो शक्ति होती है उसका स्थानांतरण एक कुंडली से दूसरी कुंडली में होता है, वह वैद्युतिक चुंबकीय रूप से होता है। तो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ यानी कि IC चिप संयोजन अग्रो खाली स्थान से बने होते हैं। तो दोस्तों जो IC चिप होती है सिलिकॉन की, वो IC चिप होती है दोस्तों वो सिलिकॉन की बनी होती है। जो एकीकृत परिपथ होता है IC परिपथ, उसमें वह सिलिकॉन की बनी होती है। तो ए ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आश्रु गैस होती है उसका रासायनिक नाम कोराइसिटोफिनोन होता है, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जो करंट ले जाने वाले जो दो समानांतर तारों के बीच का वो बल है, वह कूलाम की परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु प्राय अति चालकता ग्रहण करती है। तो एक धातु है जो क्रायोजेनिक तापमान पर अति चालकता ग्रहण करती है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो का नियम लागू होता है। तो दोस्तों एवोगाड्रो का नियम है वह गैसों के ऊपर लागू होता है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अरोधित 4 ओम तार के बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया और उभय कटे आधे भाग एक दूसरे से मरोड़ दिया गया, तो उनका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों उनका नया प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ए ऑप्शन राइट होगा। मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करके बताता हूँ कि एक आरोधित 4 ओम तार के बीच में 180 डिग्री पर मरोड़ा गया और उभय कटे आधे भाग एक दूसरे से मरोड़ दिए गए, तो उनका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों उनका नया प्रतिरोध है वह 1 ओम होगा। तो जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता घटती है। दोस्तों जो तापमान है उसमें वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता होती है वो घट जाती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों शुष्क सेल के अंदर जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है उसके रूप में जिंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नियान लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों नियान जो लैंप है उसका आविष्कार सैमुअल कोहेल के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। तो दोस्तों वह ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। जो विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज होता है वह ऊर्जा मीटर के बाद में दिया जाता है। तो ए ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि लकड़ी को अग्नि प्रतिरोधक बनाती है। तो दोस्तों इनमें से जो अग्नि प्रतिरोधक पेंटिंग विधि है वो लकड़ी को अग्नि प्रतिरोधक बनाती है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों इसमें जो अग्नि प्रतिरोधक पेंटिंग विधि है यानी कि डी ऑप्शन है राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
क्रैंक का कौन सा भाग क्रैंक पिन को क्रैंक शॉफ्ट से जोड़ता है? तो दोस्तों इनमें से जो क्रैंक भुजा है वो क्रैंक पिन को क्रैंक शॉफ्ट से जोड़ता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन कार्बन स्टील को फोजिंग निम्न पर की जाती है? तो दोस्तों जो प्लेन कार्बन स्टील है उसको फोर्जनिंग 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोर्जनिंग किया जाता है, तो ये ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्निप प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो स्निप है वह पतले धातु की सीट काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरामैग्नेटिक पदार्थ वे है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं वो फेरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं, तो दोस्तों इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका, यानी कि फेरामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों एनीमोमीटर होता है वो हवा की शक्ति तथा गति को मापने का काम करता है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालकों की चालकता होती है? तो दोस्तों परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालकों की चालकता शून्य होती है, तो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो दोस्तों एक फर्मी के अंदर 10^15 मीटर होता है, तो डी ऑप्शन राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा होती है? तो दोस्तों वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, एक ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों प्लीज़, और अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।